So we'll start the numerical of the depression and freezing point. The first numerical that is given in the notes is this: a 10% solution by mass. It means agar total solution kitna hai aapka 100 gram, to usme 10 gram kya hoga solute. 10% solution means a 10% solution by mass of a sucrose, yani ke solute kya hai aapka sucrose, kitna ho gaya wo 10 gram. We can say WB, mass of solute kitna aa gaya aapke paas 10 gram, and molar mass of solute, sucrose hai, sucrose ka matlab hota hai 2 glucose, 181 glucose, 181 glucose minus 1 water molecule 18, 180 plus 180 minus 18, it is equal to sucrose 342 gram per mole. Sucrose ko yaad karne ka tarika yahi hai ki sucrose banta bhi aise hi hai, 2 glucose minus 1 water is equal to sucrose. Okay, now 10% solution of sucrose and molar mass of sucrose is this in water. It means aapke paas jo yahan pe solvent hai WA, wo kya ho jayega water. In water has a freezing point of this. To kitna freezing point hai aapka 269.15 Kelvin, but it is the freezing point of solution. Calculate the freezing point of a 10% glucose in water if the freezing point of pure water is 273.15 Kelvin. So in this numerical thoda sa ye typical hai aur ye previous year question aaya wo bhi hai. Isme kya karna hoga aapko, dekhiye. फर्स्ट इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको केएफ नहीं दिया हुआ है. सो बाय यूजिंग दिस स्टेटमेंट वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ केएफ, बिकॉज हेयर डब्ल्यूबी मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है 10, एमबी जो है वो पता ही है आपको सुक्रोज है 342 हो जाएगा, डब्ल्यूए वाटर है, एंड वाटर कितना होगा आपके पास यहाँ पर, क्योंकि सॉल्यूशन है 100 ग्राम, तो इसका मतलब वाटर कितना हो गया आपका 90 ग्राम. सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट ये दिया हुआ है, एंड वी नो, क्योंकि यहाँ वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट नहीं दिया है. ओके, नहीं लास्ट में लिखा हुआ. ओके, प्योर वाटर इज 273.15. सो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है इट इज 273.15 केल्विन. It is the freezing point of solvent. So delta TF कितना आ रहा है आपके पास यहाँ पर 4 Kelvin. Delta TF भी मिल गया आपको, everything is given here. We know the formula is delta TF is equal to KF into molality. Molality means given mass by molar mass, number of mole of solute into mass of solvent डब्ल्यू ए, और ग्राम में है तो 1000. डेल्टा टी एफ दिया हुआ है 4 डिग्री, के एफ का पता नहीं है, डब्ल्यू बी का मतलब है मास ऑफ सॉल्यूट, सुक्रोज कितना है 10 ग्राम, एंड मोलर मास ऑफ सुक्रोज 342 इंटू 90 ग्राम वाटर है एंड 1000 है. सो बाय दिस यू कैलकुलेटेड द के एफ वैल्यू, एंड दिस के एफ नाउ यू हैव टू जस्ट यूज इन द सेकेंड वेयर द रियल क्वेश्चन इज कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए 10% ग्लूकोज सोल्यूशन इन वाटर, बिकॉज यहाँ भी वाटर था आपके पास, यहाँ भी वाटर है. इन द अबाउ स्टेटमेंट हेयर इन द बोथ ऑफ दिस स्टेटमेंट वाटर इज द सोलवेंट, तो के एफ जो है वाटर का वो सेम आएगा. दैट इज हेयर after calculation kf value is 12.3. this value is to be put in this second question. calculate the freezing point of a 10% glucose. just aapko ab 10% glucose hai, it means 10 gram glucose 90% water, kf ki value mil gayi hai. ab aapko nikalna hai just
फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, तो पहले आपको डेल्टा टी एफ निकलेगा लाइक दिस। टी एफ कितना है आपके पास, देखिए यहाँ पे टी एफ होगा के एफ की वैल्यू है 12.3 इंटू गिवन मास बाय मोलर मास 10/180, 90 ग्राम वाटर है 1,007.6। इट इज़ नॉट द फ्रीजिंग पॉइंट, इट इज़ द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो व्हाट इज़ द रियल फ्रीजिंग पॉइंट, 273.15 माइनस 7.6, दैट इज़ द नाउ फ्रीजिंग पॉइंट। इट इज नॉट अ फ्रीजिंग पॉइंट, इट इज़ द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो बाय दिस यू कैलकुलेटेड द फ्रीजिंग पॉइंट। देर इज अ डिफरेंस, यू जस्ट रीड द न्यूमेरिकल वेरी केयरफुली व्हाट इज बींग आस्क, वेदर दे आर आस्किंग फॉर द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और आस्किंग फॉर द फ्रीजिंग पॉइंट, दीज आर टू डिफरेंट टर्म्स। ओके नाउ वन मोर क्वेश्चन, दैट इज वेरी वेरी इजी नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन वेन 31 ग्राम, सोल्यूट आ गया आपका डब्ल्यू वी, 31 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, इसका आप निकालोगे मोलर मास इथाइलिन ग्लाइकोल का C12 का मतलब 12 C2 12 into 2 प्लस हाइड्रोजन 1 into 6 प्लस O2 16 into 2, दैट शुड बी इक्वल टू 62 मोलर मास, इज डिजोल्ड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, ये आपके पास आ गया डब्ल्यू ए एंड वाटर का मोलर मास 18 होगा। के एफ गिवन है, आपको टी एफ निकालना है, एवरीथिंग इज गिवन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन। सो टी एफ इज के एफ 1.86, गिवन मास 31, मोलर मास 62, वैल्यूज कट जाएंगी ये 1 into 2 500 ग्राम वाटर है सोलवेंट, 1000 ग्राम से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आ गया है 1.86। इट इज़ द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड नाउ व्हाट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इट्स सॉल्यूशन, सब्ट्रैक्ट द 1.86 डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फ्रॉम द टोटल फ्रीजिंग पॉइंट, नाउ दिस सॉल्यूशन विल फ्रीज एट 271.29 केल्विन और माइनस 16 डिग्री सेल्सियस, जीरो से कमाएगा तो ये आपके पास 1.86 केल्विन आ गया माइनस में। ओके सो बाय दिस यू विल प्रैक्टिस योर अदर क्वेश्चंस, मैनी आर सॉल्व्ड, सम अनसॉल्व्ड आर गिवन एट द एंड ऑफ द नोट्स। एंड वन मोर थिंग, डोंट डू द क्वेश्चन इन विच द वैल्यू ऑफ आई इज गिवन, these type of questions I will solve at the end because they are of different category questions, for that one want of factor you have to calculate, I will discuss this want of factor after all the colligative properties are complete. Okay, thank you.